नमस्कार दर्शक बंधु, मु मोनिका स्वागत करुछि जी ओडिसा डिजिटल प्लेटफॉर्म। दर्शक बंधु, प्रत्येक थर भली आज मध्ये आमर ए स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम रे गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रहिछि, से प्रसंग रे आमे आलोचना करबा। आज प्रसंग रहुछि डायबिटीज। डायबिटीज वर्तमान जहाँ को मधुमेह रोग भाव में कह जाए, वर्तमान जो देखा गोटे साधारण रोग भाव में परिगणित होला, वर्तमान समस्त को डायबिटीज थिबा लक्षण सामना को आसुछि। आपण प्रत्येक वर्ग कथा कहतु, छोट पिलांक ठारु आरंभ करी वयस्क एवं वृद्धंक कथा कहतु, समस्त क्षेत्र रे जो देखिबा अनेक लोक डायबिटीज रे आक्रांत होछु। आजि जानिबा ए डायबिटीज काहि कि होइथाय एवं ए डायबिटीज रो लक्षण कोन, कोन करबा द्वारा आमे डायबिटीज रोग को कंट्रोल कर पाइबा बा डायबिटीज रु मुक्त होइ पाइबा, ए तमाम प्रसंग रे जानिबा आरंभ करबा आलोचना। दर्शक बंधु, बदलुवा समय एवं आम जीवनशैली ही डायबिटीज रोग गोटे मुख्य कारण, तेणु सबु वर्गर लोक मधुमेह पीड़ित होता है। मधुमेह पीड़ित होवार अनेक गुड़े कारण रही, आपण खाद्यपेय कथा कहतु, बदलुवा लाइफ स्टाइल एवं विभिन्न लोक बर्तमान अफिसीयली जब कर क्षेत्र में खाद्यपेय जो समय रही समय सठिक भाव रही पारे, ठीक समय खाद्य खाई जोटा ही डायबिटीज रोग मुख्य कारण होता है। यह बाद आम जो देखा परिश्रम अभाव, अनेक लोक वर्तमान डिजिटलाइजेशन बा कंप्यूटर रे काम करुछंती, जो जो हार्ड वर्क दरकार, परिश्रम शारीरिक परिश्रम दरकार, से परिश्रम अनेक क्षेत्र में देखा मिलना, जोटा कि डायबिटीज रोग मुख्य कारण। यह बाद आप मानसिक जदि चिंतार रोचान, मानसिक जदि चापर रोचान, ताहले मध्ये आपनको डायबिटीज होई पारे। एहा बात अनेक गुडे कारण रहिछि, ए कारण संपर्क रे आलोचना करबा। दर्शक बंधु, आपन माने जंक फूड खाउछन, बाहरे अनेक समय रे अनेक युवपीढ़ी जो माने कि बाहरे जंक फूड खाइबा को बेसी पसंद करथि, आपन माने जानिछन्ती जंक फूड द्वारा आमे आम शरीर को किभरे नष्ट करू, तार प्रथम कारण हला डायबिटीज। जंक फूड अत्यधिक खाइबा द्वारा हमको डायबिटीज होइथाय, जोति पई एहा हम शरीर रो विभिन्न पार्ट को डैमेज करथाय, आउ आमे धीरे धीरे डायबिटीज रोग रे आक्रांत होइ जो एवं हम शरीर रे जो शक्ति रहिछि रोग प्रतिषेधक शक्ति ताहा धीरे धीरे कमी जाए। तबे वर्तमान जानिबा आउ कोन कोन लक्षण थाए डायबिटीज रो। तबे डायबिटीज रो प्रारंभिक लक्षण हेउछि आपणकर चक्षु समस्या। डायबिटीज जदि आपनको होइछि ताहाले आपनकर चक्षु समस्या देखा जइबो, आपनको आखी को ठीक भाबरे देखा जइबो नै, ताहाले आपन जानिबे जे प्रारंभिक पर्याय रे आपनको डायबिटीज आक्रांत होइछि। एहा बाद अनेकंकर चक्षु समस्या दीर्घ दिन धरि के लागि रहिथाय, से माने भाबन्ति एहा मोतिया बिंदु होइथाय पारे। आपन जानिछन्ति कि डायबिटीज जेतो लास्ट स्टेज रे पहुँच जाए सेतबेले आपनकर मोतिया बिंदु भली समस्या आसे, तेणुकरी जदि आपणक प्रारंभिक पर्यायर आखि समस्या देखा जाउछि ताले तुरंत डॉक्टरंकर परामर्श दियंतु एवं प्राथमिक स्टेज रे ए डायबिटीज को आपण माने कंट्रोल करंतु, नहले या परवर्ती समय रे आपणकर चक्षु शून्य होइ जइबा बा आपणकु बिल्कुल देखा न जइबा एवं मोतिया बिंदु आखिरे रक्त जमाट बांधिला भली गोटे परद जमाट बांधिला भली परिस्थिति मध्ये उपजि पारे, तेणुकर डॉक्टर माने एहाही आपणको सजेस्ट करुछन्ति जे डायबिटीज रो प्राथमिक पर्यायर आपण हॉस्पिटल जांतु एवं जहा प्रॉपर ट्रीटमेंट ताकु ही फॉलो करंतु। एबे देखिबा जे डायबिटीज रे आखि समस्या केमती होइथाय, जदि देखिबा अनेकंकर आखिरे गोटे परद भली जमा रहिथाय, हळदिया कलर परद गोटे जमा रहिथाय, अनेकंक आखि को देखा जाय नथाय ठीक भाबरे, मोतिया बिंदु भली समस्या आसीथाय। छोट छोट पिलामन को क्षेत्र जो देखिबा अनेकंक आखि को ठीक भाबरे देखा जाय नथाय, ताहले आपण भाबिबे जे आपनको कोनसी रोगग्रस्त होइछथि, आपण डॉक्टर को ट्रीटमेंट करिवे एवं डॉक्टर जदि आपनको कहउछथि जे डायबिटीज रो प्रारंभिक स्टेज आपण चिकित्सा त्वरित करिवे। एहा बाद जो देखिबा अनेकंक क्षेत्र रे आखिरु रक्तस्राव भली मध्ये समस्या आसीथाय, अर्थात आखिरु रक्त बोहिथाय किंबा आखि गोटी साइड रु रेड भली लाल होई जेथिवा भली समस्या मध्ये अनेकंक क्षेत्र रे देखा जायथाय। एभली जदि लक्षण देखा जाउछि ताले आपण माने भाबिबे एहा डायबिटीज रो लक्षण। एहा बाद जो देखिबा युवावस्था रे जदि आपणक आखिरे मोतिया बिंदु भली समस्या उपजुछि ताले त्वरित भाबरे समाधान करन्तु। डायबिटीज को ठीक भाबरे नियंत्रण करबा खले प्राथमिक पर्याय रे चिकित्सार आवश्यकता रहउछि एवं गोटे रोगी को जदि मधुमेह होची ताहा 20 वर्ष पर्यंत ताको आक्रांत करिथाय, ता शरीर रे 20 वर्ष पर्यंत एहार प्रादुर्भाव देखिया को मिलिथाय, तेणु करी आपण माने फास्ट स्टेज रे ही ट्रीटमेंट करू। तबे डायबिटीज रे छोट पिलांक मध्य अनेक गुडी समस्या भोगिबा को पडथाय, छोट पिलांक मानकर जेंति मु पूर्वर कहुथि आखि समस्या लगातार भाबरे लागि रहे, तेणु के समानकर ट्रीटमेंट हबार आवश्यकता रहिछि। आम शरीर रे गोटे बीटा सेल
ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଖାସ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବେ ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟମ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏହା ବାଦ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିବେ ସପ୍ତାହକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅନେକ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏହା ବାଦ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଳୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପରିମାଣର ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜି ଓଡ଼ିଶାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।